अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ खतीजा। आज मैं आपको बताऊंगी फोर पीस ट्राउज़र, यानी कि उसको सिगरेट पैंट भी कहते हैं, स्ट्रेट पैंट भी कहते हैं। इस तरह की ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग मैं बताऊंगी। ये हमारे पास कपड़ा है, मैंने थोड़ा सा कड़क कपड़ा लिया है क्योंकि आगे मौसम सर्दी का है तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो अब मैं इसकी पहले ड्राफ्टिंग आपको बताती हूँ, उसके बाद इसकी स्टिचिंग और कटिंग बताऊँगी। ये हमने कपड़ा रख लिया है, कपड़ा है डबल, इस तरह से अंदर फोल्डिंग है। इसके ऊपर मैं ड्राफ्टिंग करूँगी। इस कपड़े की जो चौड़ाई मैंने ली है, जिसको विथ कहते हैं, वो है 13, और इसकी जो लेंथ है वो टोटल है 40। ये देखें, मैंने इसकी ड्राफ्टिंग कर ली है। ये 2 इंच जो नेफा फोल्ड होगा, ये आप बेल्ट लगाना चाहें बेल्ट लगा सकते हैं, वरना नेफा फोल्ड कर सकते हैं, ये उसके लिए है। और ये हिप हॉप लेंथ हमने रखी 12। 12 के बाद इस तरह का पूरा लुक वाइज दिया है हमने, ये शेप आया इसका। और फिर ये जो पाइचे के जो साइजिंग है, ये रखी है हमने 7, सिलसिला के 6 हो जाएगी, क्योंकि ये जो 4 पीस ट्राउज़र है ये कम से कम 11 साल की बच्ची का है। और इस तरह से, और वरना आप जिस साइज़ का भी सी हैं उनका साइज़ ले लीजिएगा। वैसे नॉर्मल बड़ों के जो पाइचे की वेथ होती है 7 तैयार होती है, तो आप 8 पे भी कटिंग कर सकते हैं। और उसके बाद ये चीज़ शेप दी है हमने यहाँ तक, ताकि ये पैंट का लुक आ जाए, ऊपर से चौड़ी होगी नीचे से स्लिम होगी, सही। और ये 4 इंच फोल्डिंग है, पैंट के अंदर हमेशा 4 इंच फोल्डिंग होती है, उससे खूबसूरती आती है। जितना चौड़ा फोल्ड होता है उतनी खूबसूरती आती है। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। ये मैंने ट्राउज़र की कटिंग कर ली है। ट्राउज़र की कटिंग होने के बाद ये शेप आया है, और ये शेप आना ज़रूरी है। और इस साइड से ये लुक आया, बिल्कुल देख लें आप लोग। अब मैं इसकी स्टिचिंग बताऊंगी। स्टिचिंग में सबसे पहले दोनों की अलग अलग दो दो पीस की हमें हिप ऑफ लेंथ की सिलाई करनी है, उसके बाद फिर एक के ऊपर एक रखकर फिर मैं आपको बताऊंगी। ये मैंने हिप ऑफ लेंथ की सिलाई कर दी है, और ये मैंने ओपन कर दिया पीस, इस तरह का शेप आएगा। अब दूसरे को इसके ऊपर ही रखकर हम ये साइड की सिलाई लगाएंगे, दोनों साइड की। सबसे पहले मैंने ये हिप ऑफ लेंथ की सिलाई लगाई थी, उसके बाद ये साइडों की सिलाई लगाई है, उसके बाद ये नेफा भी फोल्ड कर दिया है। अब इसमें इलास्टिक चलेगी, अब हम साइजिंग करके जो भी हमारा साइज हो फिर उसके नीचे की फोल्डिंग करेंगे, और उसके बाद ये बीच की सिलाई लगाएंगे। ये हमारा पैंट स्टाइल का 4 पीस ट्राउज़र तैयार हो गया है। ये दिखने में कुछ इस तरह का है, दोनों पाइचे रेडी हैं और ये पूरा रेडी हो चुका है। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।